नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं लख हरियाणा। आज चरखी दादरी में अजीत फोगाट हैं, जो पदयात्रा आशीर्वाद पदयात्रा का समापन हुआ है यहाँ पर। अजीत भाई, एक तो बताएं कि आशीर्वाद यात्रा के पीछे का मकसद क्या है? पहले तो देखिए, दादरी के हकों की लड़ाई थी और दादरी के हक की लड़ाई ऐसे ही नहीं लड़ी जाती, लोगों से मिलना पड़ता है और घर घर जाना पड़ता है, लोगों की तकलीफ को जानना पड़ता है, तब जाके पता लगता है कि इस हल्के की तकलीफें क्या हैं। और जन आशीर्वाद इसीलिए है कि जब हम लोगों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के, तो पता लगता है कि आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आपके ऊपर उम्मीदें हैं नहीं है। तो हल्के में पूरा घूमे हैं आप, आज समापन है, तो क्या मूड लगा फिर आशीर्वाद? बिल्कुल, आप देख लीजिए, आशीर्वाद देने आए हैं लोग। मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ उस पार्टी का। उस कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान देने के लिए हजारों की संख्या में जब लोग अपने साधनों से, ट्रैक्टरों से जब लोग आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात का रहता नहीं है। लोगों का प्यार है ये और ये बढ़ता ही जाएगा, और इस दादरी की हक की जो लड़ाई है वो हम लड़के दिखाएंगे। क्योंकि कांग्रेस को देखा जा रहा है कि पोजीशन अच्छी में दिखाई दे रही है और आप भी टिकट वहीं से चाह रहे हैं, और एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है, यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, उसमें आप भी हैं, तो किस तरीके से वहाँ पे साबित कर पाएंगे? देखिए, मैं तो अपनी 20 साल की मेहनत और मजदूरी मांग रहा हूँ। जितने लोग हैं वो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी योग्यता और उनका समय जो पार्टी को दिया है, मुझे और उनको आकलन कर लें, उसके बाद जो है अगर मुझे उनको लगता है कि मैं उस आंकड़े में नहीं हूँ, उस योग्यता में नहीं हूँ, तो मैं उन सब के साथ मैं तो ये कह सकता हूँ। और अगर ये पार्टी को लगता है कि हमने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है 20 साल तक, देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं पार्टी की सेवा करके ना आया हूँ, और हरियाणा का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ मैंने पदयात्रा, साइकिल यात्रा और तमाम जैसों के हमने इस हरियाणा की नहीं, दादरी की नहीं, पूरे हरियाणा की लड़ाई ना लड़ी हो, तो इससे ज़्यादा तो अब हम और पार्टी के लिए अब अपनी काम कर लिया, जेल में हम जा चुके, इससे ज़्यादा तो और हम क्या कर सकते हैं? अभी भी पार्टी काबिल नहीं समझे तो फिर पार्टी हमारे लिए जो है ना सम्मान लिए है, जो पार्टी देगी वो हम मंजूर है। तो आप अपना एफर्ट कर रही हैं अभी? बिल्कुल, दावेदारी भी है, एफर्ट भी है, इससे ज़्यादा चुनाव का समय है, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? चुनाव का समय है और आज पार्टी को ये दिखाने की जरूरत है कि हम दादरी के लोगों की कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति लड़ाई लड़ता है तभी तो पार्टी उसको काबिल समझती है, तो वो लड़ाई एक पदयात्रा के माध्यम से लोगों के पास गया हूँ। पोस्टरों की राजनीति नहीं करता मैं, बहुत सारे नेताओं के पोस्टर लगे मिलेंगे आपको, मेरा कोई पोस्टर नहीं मिलेगा, मैं तो लोगों के दिलों में पोस्टर लगाता हूँ। तो यहाँ पे गाँव में गए तो क्या, किस तरह की तकलीफ है वहाँ पे आप बता पाएंगे? बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं दादरी के लोग, शुद्ध पानी की वजह से जो है हमारे दादरी के लोग कैंसर के मरीज हो गए, पूरे के पूरे गांव जो है कैंसर के मरीज हो चुके हैं, खारा पानी पीने को मजबूर हैं, सरकार कर क्या रही है? गर्ल्स कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, खेल का स्टेडियम दादरी में नहीं है, पॉलिटेक्निक दो बनाई थी उसके बाद कोई पॉलिटेक्निक और कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई कॉलेज नहीं है, तो इससे ज्यादा और क्या होगा? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, कौन सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस बीजेपी ने कर दिया, चारों तरफ से दादरी की जो है खाई में तब्दील कर रखी है, सीवरेज ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, एसटीपी प्लांट खत्म हो चुका है, दादरी में जल भराव की इतनी बड़ी विकराल परिस्थिति है, चार बूंद आ जाती है तो जो है एक तालाब में तब्दील हो जाते हैं दादरी के लोग, हजारों बार हम मटका फोड़ जो है प्रदर्शन कर चुके, मुकदमे हम दर्ज करवा चुके, दादरी को ये निजात मिलेगी कब? वही हमारी लड़ाई है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं हम दादरी के लोग गुड़गांव के बाद, वो पैसा जाता कहाँ है? हमारा हक है वो पैसा जो है दादरी में लगे, तो वो दादरी में जो पैसा हमारा नहीं लग रहा है तो ये हमारे साथ जो है इससे जाते और क्या होगी? उसी की लड़ाई है, उसी के लिए सब लोग आए। तो भाषण सुन रहा था आप, कह रहे कि रुलाओगे क्या? बस ये तो भावनाएं हैं, जब भावना मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इतना प्यार देने के लिए जब लोग आए हैं तो बस ये स्थिति भावुकता वाली स्थिति है। बहुत सारे महिलाएं देखी, मैं तो बस अड्डे से देखा आपका सारा, तो सारे गाँव से आए हुए, एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक गली से, गांव से, ढाणे से आया है, कोई एक व्यक्ति भी किराए का भाड़े का व्यक्ति नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं ये काम कभी करता नहीं हूँ और ना कभी मैं इस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी जमीन, अपनी पृष्ठभूमि अपने लोगों के बीच में बिताई है, उनके सुख दुख में रह के उनकी आवाज बन के, तब ये प्यार है लोगों का। तो आगे अब क्या है, कोई और भी बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं आप यहाँ? बिल्कुल, 10 तारीख के बाद, आज जो है 10 है, अब डोर टू डोर कार्यक्रम गांव में, हर चौपाल में, घर घर जाऊंगा अब मैं। अब मेरा जो अभियान है वो घर घर जो है अभियान है, घर घर कांग्रेस, हाँ, घर घर कांग्रेस है, घर घर अजीत है, घर घर कांग्रेस, घर घर अजीत, कोई घर नहीं छोड़ूंगा। 20,000-25,000 जितने भी घर मेरे से कवर होंगे एक महीने में, मैं कोई घर नहीं छोड़ूंगा, हर घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा, उनकी तकलीफ को सुनूंगा, और मेरे से जितना हो सकेगा दादरी के लिए, मैंने आपको अभी मैंने अपनी भाषण में भी कहा कि दादरी के लिए अपना तन समर्पित, मन समर्पित, जो जीवन में कमाई थी वो समर्पित, और जो जीवन बच गया अब दादरी के लोगों के लिए वो समर्पित। शुभकामनाएं आपको, हम और साथियों से भी बात करते हैं।
क्या करें भाई साहब? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई साहब की जीत ही पक्की है, निश्चित है। मैं गांव डोका दिन्ना से हूँ, मेरा नाम रवि है। मैं भाई साहब को पूरे मन से समर्थन करता हूँ। मैं गांव से चल के आया हूँ, मेरे गांव के लोग आए हैं, हम सिर्फ भाई साहब के लिए आए हैं, भाई साहब को जिताएंगे बिल्कुल। आप भी यूथ हैं, क्या उम्मीदें रखते हो भाई साहब? भाई साहब बहुत अच्छे हैं, हम आप इनके साथ हैं बिल्कुल। अच्छा, तो उम्मीदों पे खड़े उतर जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, कांग्रेस की जो सबसे ज्यादा दादरी में सेवा करने वाला जो आदमी वो अजीत फोगाट है, सबसे ज्यादा और सबसे लगनसार आदमी, मेहनतसार, ईमानदार अजीत फोगाट जी हैं दादरी से, और हर चीज पर, हर आदमी पर खड़ा उतरता है। अजीत जी, अजीत जी, जनता की यह फरियाद है भाई, होगी पूरी आस करेगा, विकास रे पार लगाना है, अलका दादरी तो भाई अजीत फोगाट जिताना है। जनमानस की सेवा करता करता काम भलाई का, हर कोने में चर्चा चले शिक्षा भरी पढ़ाई का, दान देने में दानी से वो दान करे नेक कमाई का, करेगा वादे पूरे ना रखा, दूरे रे पार लगाना है, दादरी अलका तो भाई अजीत फोगाट जिताना है। पढ़िया लिखा है बहुत घना भाई, पढ़िया लिखा है बहुत घना, और अच्छे नेक विचार है, अच्छे घर में जन्म ले लिया, अच्छे संस्कार है, भैया का मैं बैठनिया चावे, भैया का प्यार है, करेगा वादे पूरे न रखा, दूरे रे पार लगाना है, अलका दादरी तो भाई अजीत फोगाट जिताना है। तो ये थे समर्थक अजीत फोगाट के, और यहाँ पे समापन हो गया है उनकी आशीर्वाद पदयात्रा का। और आपका भी इस पर कमेंट है तो आप जरूर लिखें कि उनकी पदयात्रा से आप क्या समझते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। नमस्कार।